हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड. सो दिस इज कंचन हेयर एंड आई वेलकम यू टू द थर्ड सेशन ऑफ सिमिलैरिटी. अभी सबको पता है कि सो फार वी हैव डन टू सेशंस, राइट? सो अभी हम जो करने वाले हैं, सेशन नंबर थ्री करने वाले हैं, क्लियर? इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम अलॉन्ग विद सम क्वेश्चन. सबको पता है थ्योरम्स, देन क्वेश्चन, देन प्रैक्टिस सेट्स, राइट? सो चलिए, टिल देन हू ऑल आर ऑनलाइन, बता दीजिए हेलो मैम, हाय मैम, कैसे हैं आप? और मैं आपको बता देती हूँ अबाउट स्विफ्लन. सो स्विफ्लन इज यस द मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन, एज आई ऑलवेज से, द वन एंड ओनली डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग टू द कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग. इट इज प्रोवाइडिंग 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेज. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट लाइव, इट मीन्स फेस टू फेस और इंटरेक्टिव. अभी तो मैम इतनी बार बता चुकी हैं लाइव और इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है. सो इंटरेक्टिव मीन्स विद इन द क्लास आप अपने डाउट्स एंड अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. उसके बाद अगर बात की जाए पर्सनलाइज अटेंशन बैच विद मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स, तो जो जितने भी बैच यहाँ पर होते हैं उसमें 6 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब प्रेफर क्या होते ही नहीं है, ठीक है? तो मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आप 1:1 एंड 1:2 वाला रेशियो वाला जो बैच होता है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं. आफ्टर दैट अ डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम है यहाँ पे जो कंटिन्यूसली स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे वर्क करती है और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करती है. सपोज इफ यू आर लैकिंग समवेयर, आप कहीं पे लैक कर रही हैं, तो स्विफ्लन की जो टीम है वो आपको वहाँ पर ट्रैक करेगी. ओके, चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं. तो CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड सारे सिलेबस यहाँ पे कवर कराए जाते हैं. PTM का देख लेते हैं, डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ पर डिस्कस करेगी? PTM में, तो बिल्कुल PTM भी होती है लाइक स्कूल्स. सो पेरेंट टीचर मीटिंग, दैट इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन, जहाँ पे आपके अप्स एंड डाउन्स, आप क्लास में कैसा बिहेव करते हैं, होमवर्क कैसे करते हैं, मंथली टेस्ट असेसमेंट, ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर. उसके बाद स्विफ्ट लर्न अकेडमिक टेस्ट सीरीज के लिए देखते हैं. तो भाई सबको पता है, जो यहाँ पे स्विफ्ट लर्नर्स हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता है देखिए, वंस यू विल बी एनरोल विद द स्विफ्ट लर्न, यहाँ पे सैट्स होता है. तो आप संडे को फ्रॉम 9 AM टू 9 PM सुबह से शाम तक आप कभी भी आके यहाँ पे एक टेस्ट दे दीजिए छोटा सा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. और अगर आप अपनी पूरे स्विफ्टन की टीम में से, मतलब जितने बच्चे इस टाइम पे यू नो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, मतलब आपकी पर्टिकुलर क्लास में जितने भी बच्चे आपके साथ हैं वो सब ये टेस्ट देंगे, तो अगर उन सब में अगर आप टॉप पे रहेंगे तो यू विल बी प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप. अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट भी, कई बार होता है कि प्रैक्टिस सेट्स चाहिए होते हैं, राइट? होता है ना, आपने चैप्टर खत्म कर लिया, आपके पास अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, PYQs नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो स्विफ्टन विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दोज थिंग्स अलॉन्ग विद सब्जेक्टिव टेस्ट विच इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो क्या करना है भाई, एक ट्रायल बुक करके देख लीजिए. फॉर दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सिंपली यू कैन गो टू द गूगल, वहाँ पे टाइप कर दीजिए www.swiftlearn.com और वहाँ से आपको सारा एक क्लिक में, बस एक क्लिक में आपकी एक ट्रायल बुक हो जाएगी. ठीक है, so yes, those who are new to the channel, kindly subscribe it. bell icon को press करना है so that you will never miss any update. ठीक है, अगर session अच्छा लगा तो like भी कर सकते हैं. ठीक है, comment करना है, your suggestions and your queries are always welcome. and share तो भाई मैं हमेशा बोलती हूँ, share तो कर ही दीजिए. ठीक है, so let's go with the similarity part third. so objectives क्या होने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं एक बहुत important theorem जो ये कहती है कि the area of two similar triangles are proportional टू द स्क्वायर इन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, ये थ्योरम हम अभी हम देखेंगे और उसके अलावा हम एक कुछ क्वेश्चन करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द थ्योरम. चलिए रिकॉल कर लेते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है भाई. दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं अगर हम ये कहें कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल है. बार बार, तीसरा सेशन है, बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल, बट जो साइड्स का रेशो है वो इक्वल हो सकता है. साइड्स इक्वल नहीं होंगी, उनका रेशो इक्वल होगा. ठीक है, तो हमारे पास तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आते हैं, SAS, AAA एंड SSS. ठीक है, तो SAS मींस दो साइड्स हैं उनके बीच में एक एंगल है. नाउ AAA दैट्स मींस आप AAA भी कर सकते हैं, अगर दो A हैं तो आप उसको ले सकते हैं. और उसके बाद SSS मींस तीनों साइड्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है, या रेशियो रेशियो प्रोपोर्शनल कब होता है, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में बताया हुआ है. ठीक है, तो तब भी आप कह सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल्स क्या है, सॉरी दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर. पढ़ाया हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लास्ट ही करी थी. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, एक ट्राइंगल है और एक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज अ ट्राइंगल, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी तीसरी साइड के पैरेलल, ये तीसरी साइड है, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी.
ठीक है। कन्वर्स भी हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन इस तरीके से हम बना रहे हैं ट्राइंगल में कि वो रेशो को डिवाइड, वो ट्राइंगल को दोनों सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। लेट्स लेट मी शो यू। चलिए, ये एक मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक रैंडम लाइन थी, एक रैंडम लाइन थी, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ये लाइन थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस इस लाइन को उठा के यहाँ रख दिया, कहीं भी यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइन को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा सपोज, तो ये जो रेशो थे, ये साइड्स का, ये वाला जो रेशो था अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। दोनों कंडीशंस हैं, अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, और अगर राइट साइड्स के रेशियो इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन क्या है, पैरेलल। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंजीनियर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ बीम टू सपोर्ट द रूफ ऑफ द हाउस, होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। ये कैसे, रूफ जो ऐसे स्लांटिंग रूफ होती है उसको सपोर्ट करने के लिए बीम लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बीम है, ठीक है। तो ये कह रही है कि यहाँ वाले आपको ये जो लेंथ ऑफ द बीम ये फाइंड आउट करनी है, जो आपको दे दिया कि ऊपर से लेके तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है और ये इतना 3 है। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेट है, सॉरी सिमिलर है कि नहीं है। तो भाई ये 90, ये 90 दिख रहा है ना, जब दो चीजें ऐसी हैं तो 90 होगा और ये वाला एंगल कॉमन, तो ए ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ए ए क्राइटेरिया से अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी की थ्योरम लगा सकती हूँ, क्या बेसिक बीपीटी लगाएंगे, सिंपल बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो जब मैंने बीपीटी लगाई, सो दैट वाज 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, है ना, 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, और बस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल कम्स आउट टू बी 9, सॉरी दैट विल कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। लेकिन लेंथ पूछी थी तो लेंथ तो भाई ये 6 था और ये 2 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम पीपीटी थ्योरम का रियल लाइफ में यूज करते हैं। कल आपको, या लास्ट सेशन में जब हमने एक माउंटेन वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि कहाँ किस तरीके से हम पीपीटी थ्योरम को यूज कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए, इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ओके। तो पहली चीज क्या दे दी भाई, एल एम दे दी बी सी के पैरेलल, और दूसरा क्या दे दिया, एल एन जो ये वाला था ये दे दिया सी डी के पैरेलल, ठीक है, पैरेलल दे दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एम डी, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। जहाँ लाइन पैरेलल दी है बच्चों, ये चीज़ आप बहुत ईजी ध्यान रखिए कि जहाँ भी लाइन पैरेलल दी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 2 मार्क्स का, ये वाला इस वाले ट्राइंगल में देखो, ध्यान से देखो, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल जो एम एल एम है वो बी सी के पैरेलल है। सो द मोमेंट पैरेलल दिया है, आप आंख बंद करके उसका रेशियो लिख दो। आपने लिखा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वेरी सिंपल, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल भी देखिए, लेट मी टेक इट टू द रेड वन, अभी दूसरा ट्राइंगल देखिए, ये वाला, इसमें भी थ्योरम लग जाएगी इजीली भाई, पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम लग जाएगी, यही तो हमने पढ़ा है, पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। अब इन्होंने बोला ए बी सी, सॉरी ए डी सी ट्राइंगल है, इसमें जो एल एन है वो डी सी के पैरेलल है, खत्म कहानी, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कैसे लगेगी, ए एन अपॉन एल डी, इट मीन्स दैट दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब जहां ऐसा आ गया, बस बल्ले बल्ले वाली बात है ना। देखिए ये भी ये वाला है, ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, और ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, यही निकाल सकते हैं। अब बार बार बताती हूँ कि अगर एक चीज ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है ना, तो ए और सी भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इट मीन्स दैट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एल डी, बस इतना, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थ्योरम आपको जरूर लिखनी है, ये आप जरूर लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत लॉन्ग वे में भी क्वेश्चन लिख के दिखाए हैं, बट इट इज ट्राई ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर, बिकॉज मैं आपको सब कुछ लिख के दिखा दूंगी, समझाना तो मुझे बेसिक यही है, दैट इज द रीजन मैं आपको ये बेसिक समझा रही हूँ, लिख आप खुद देंगे। आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप इस सॉरी इन ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, सो बाय
बीपीटी थ्योरम, या बाय बीपीटी टी का मतलब थ्योरम ही है, सो बाय बीपीटी यू कैन राइट दिस रिजल्ट. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ट्राइंगल यू कैन राइट इन द ट्राइंगल ए सी डी एल एन इज पैरेलल टू सी डी बाय बीपीटी थ्योरम दिस. तो लिखना आपको आ जाएगा, लिखने में तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, डोंट वरी. यहाँ पे आप सुफियन यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी एग्जाम से पहले, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन कभी भी आएगा दोबारा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. सिंपल, दो ट्राइंगल अलग अलग है, दोनों में बीपीटी थ्योरम लगाइए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आया. अपने आप ही अगर आपने थ्योरम बिल्कुल सही लगाई है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा. चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं. ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. तो भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए डी है ये बी सी के पैरेलल होगा और जो ये वाला होगा ये इसके पैरेलल, ठीक है. चलिए आफ्टर दैट दे आर शोइंग दैट शो दैट ट्राइंगल ए बी. ओके, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दे आर सेइंग दैट ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको प्रूफ करो कि ये सी एफ बी, ये वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैं ब्लू बना रही हूँ, इसके सिमिलर, ठीक है. तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, बताइए क्या होगा. सिंपल है, अगर पैरेललोग्राम दिया है तो आपको पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल तो इक्वल. सिंपल भाई, ए बी ई का और सी एफ बी का एक एंगल इक्वल, ठीक है. नाउ ट्राई टू थिंक दैट ये दो पैरेलल लाइन है और ये ऐसे बड़ा सा ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो अगर ये बड़ा सा ट्रांसवर्सल आ रहा है, इसको मैं थोड़ा आगे आगे कर दूँ और इसको थोड़ा सा रेड बना लेते हैं, तो क्या लगता है आपको, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है? क्योंकि देखो पैरेलल लाइंस दी हुई है, मैं कुछ नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस ऑटोमेटिकली दी हुई है. भाई देखो जब ए डी अगर बी सी के पैरेलल है तो ए ई भी तो बी सी के पैरेलल होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है. तो ये वाला देखो, तो मैं इसको लिख देती हूँ 1 2, तो 1 और 2 क्या बन गए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और ये 3 एंड 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द पैरेलल लाइंस. अब इसको लिखने का तरीका देखो, ओके सब कुछ डिलीट हो गया, कोई बात नहीं. मैंने इसको दे दिया 3 और मैंने इसको दे दिया 4, ठीक है. कैसे बना ये देखो, इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, इसको आगे बढ़ा दूँ, इसको आगे बढ़ा दूँ, इसको आगे बढ़ा दूँ, तो ये कुछ 3 और 4 आ रहा है. तो 3 और 4 के लिए रीजन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ब्रैकेट में बच्चों याद रखो, जब भी आप कोई भी एंगल या कोई भी साइड इक्वल लिख रहे हो, जस्ट ऑलवेज राइट इन द ब्रैकेट द रीजन. तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ए डी एंड बी सी, या आप यहाँ पे ए ई एंड बी सी, बात समझ में आ रही है. तो द मोमेंट यू विल राइट द रीजन, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, उनको पता है कि हाँ बच्चों को पता है, ऐसे जुगाड़बाजी नहीं करी है ना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द रीजन, ठीक है. भाई दो रीजन आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एक अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेलल, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, बन गए आपको दोनों ट्राइंगल से मिला, ठीक है. तो चलिए आज के थ्योरम पे आते हैं. द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेक्स. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनका जो एरिया होगा उसका जो रेशो होगा वो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा. देख लेते हैं भाई, दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, तो यही कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. तो ए बी की साइड, ए बी सी की साइड ए बी, इसकी साइड डी ई, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा. दैट्स द सिंपल, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो भी उनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा. इतना आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर है. बट कंडीशन इज दैट कि आपको वो जो क्या मतलब, आपको जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर दिए हुए होने चाहिए. कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये देखिए ए से एम परपेंडिकुलर डाला, डी से एन परपेंडिकुलर डाला. आई होप इट इज क्लियर, ये प्रूफ चल रहा है थ्योरम का. देखते हैं क्यों क्यों कह रहे हैं प्रूफ, बस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. जितने भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर की, प्रूफ उनका सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है एक क्वेश्चन आएगा थ्योरम, थ्योरम के साथ एक एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस तरीके से वो 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि थ्योरम और उसके साथ का क्वेश्चन, ठीक है. तो चलिए
AM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to EF. Parallel है? चलिए, अब बात मुझे बताइए कि एरिया, सॉरी, क्या हो जाएगा ABC का एरिया क्या हो जाएगा? भाई बार बार बोला है 1 upon 2 base into height, ये base बन गया और ये height बन गई, तो 1 upon 2 base into height. Similarly इसका भी लिख दीजिए 1 upon 2 base into height, दोनों का लिख दिया 1 upon 2 base into height, 1 upon 2 base into height. अब क्या करें, दोनों को divide कर देते हैं, भाई दोनों का रेशो चाहिए ना, तो दोनों को डिवाइड ही करेंगे. दोनों को डिवाइड कर दिया, हाफ से हाफ कटा, हमारे पास बच गया बी सी मल्टीप्लाई बाई ए एम इज इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लाई बाई डी एम. इतना बच गया, इसको रखिए अभी संभाल के, अब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी. आगे बढ़ते हैं, आगे इसका सिर्फ सेकेंड पार्ट है, वो हम क्या करेंगे भाई, हमें दो ट्राइंगल्स देखने हैं. कौन कौन से ट्राइंगल्स देखने हैं? एक तो हमें देखना है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक हमें देखना है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है. इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, हो जाएंगे सिमिलर, बहुत इजी है सिमिलर करना. देखिए एंगल बी और एंगल ई तो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वो बड़े वाले ट्राइंगल के भी हैं, ठीक है. और अगर हमने आपने परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री, सिंपल सा लॉजिक है. आपने अगर परपेंडिकुलर डाला है तो मुझे पता है ये 90 और ये 90, तो एक एंगल तो मुझे मिल गया. और भाई एंगल जो बी जो है वो ऑलरेडी एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि तभी तो जो बड़े वाले ट्राइंगल्स थे वो सिमिलर थे. तो मुझे अगर दो क्राइटेरिया मिल गए तो मैं कह सकती हूँ कि बाय ए पोस्टुलेट दीज टू ट्राइंगल्स विल बी व्हाट, दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. छोटे छोटे जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो भी सिमिलर हो जाएंगे. तो अब सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उनकी साइड्स का रेशियो के, उनकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा. तो दैट इज वेरी सिंपल कि मैंने लिखा ए एम अपॉन डी एन, मतलब इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी. वेरी सिंपल है ना, ए एम इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, इसकी साइड वाली साइड और इसकी, दोनों का रेशियो भी इक्वल होता है. अब क्या करें, ठीक है. अब हमें पता था कि जो बड़े वाले ट्राइंगल थे वो ऑलरेडी सिमिलर थे, तो जब बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर थे तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. वेरी सिंपल, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई डी एफ, सॉरी, ये सबको पता था. तो बट अभी जो हमने इससे जस्ट पहले जो हमने रिजल्ट निकाला वो हमने निकाला कि जो बी सी अपॉन ई एफ है वो ए एम अपॉन डी एन के इक्वल है, अभी जो हमने छोटे छोटे ट्राइंगल्स निकाले थे. तो उससे मैं क्या इंटरप्रिटेशन कर सकती हूँ कि जो ए एम अपॉन डी एन है वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है. और आप जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए एम अपॉन डी एम की जगह बी सी अपॉन, तो ये देखिए स्क्वायर आ, तो एक का स्क्वायर है तो सिमिलरली आप सबका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना भाई इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के इक्वल, और जब इसका स्क्वायर एरिया के इक्वल है तो ये वाला भी किसके इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द थ्योरम विल गो लाइक, ठीक है. थ्योरम ऐसे ही जाएगी. आपको क्या करना है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, सिंपल, आप पहले बड़े वाले ट्राइंगल्स, मुझे ऑलरेडी पता है बड़े वाले ट्राइंगल्स सिमिलर है, आप दोनों ट्राइंगल्स में एक एक परपेंडिकुलर डालिए. वो छोटा वाला जो परपेंडिकुलर का ट्राइंगल आ रहा है उसको सिमिलर प्रूफ करिए, उसके सिमिलर से आप सिंपल सा इतना लॉजिक निकाल लेंगे कि जो ए एम अपॉन डी एन है वो ए बी अपॉन डी ई है. अब मुझे ऑलरेडी पता है कि ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इतना मुझे पता है. सो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट सिंपल. सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर, मैथ्स में फॉर्मूले से ज़्यादा कॉमन सेंस लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे. कॉमन सेंस मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक लगाओ विथ कॉमन सेंस. देखो आपको दिख रहा है ना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशो के इक्वल. अब मुझे ऑलरेडी पता है भाई कि ये वाली साइड का रेशो तो इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशो के इक्वल है, तो बस यही तो चल रहा है, सर्कल यही चल रहा है. सो बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है. तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में हेल्प करते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल का, उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया बिल्कुल इक्वल होता है. कैन यू सी, ये एरिया एक मीडियन है तो इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. दो पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब याद रखिए जो ए बी डी का एरिया होगा वो हमेशा ए डी सी के एरिया के इक्वल होगा. इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है. और भाई दोनों का एरिया इक्वल होगा और जो एक का एरिया होगा वो बड़े वाले के हाफ होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. मैंने बोला ये वन है, ये वन है, तो जिसके अंदर ये है वो टू हो जाएगा ना, तो उसका ये हाफ, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड. तो इट मीन्स दैट इसका और इसका एरिया, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है मीडियन के इस तरफ
और जो मीडियन के इस तरफ जो ट्राइंगल बन रहा है, जो मतलब दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं दोनों का एरिया इक्वल, और उसमें से किसी भी एक का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के हाफ हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं कह सकती हूँ कि बड़े वाले ट्राइंगल का अगर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है एरिया, तो इसका भी 3 हो जाएगा और इसका भी 3 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप किसी भी सेंस में ले लीजिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है कि अगर दो और दो से ज्यादा ट्राइंगल है, इफ टू और मोर ट्राइंगल्स हैव द कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स एक कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बड़ा सा सर्कल बना दिया है, दिस इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसिस आर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिस है, कैन यू सी, ओके लेट मी टेक अप, कैन यू सी दीज आर बेसिस, तो अगर उनका बेस जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन है, तो जो रेशियो होता है उनके एरियाज का वो उनके लेंथ ऑफ देयर बेसिस के इक्वल हो जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक मैंने ट्राइंगल बनाया तो ट्राइंगल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वर्टेक्स ए रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ए सी ई विल बी इक्वल टू द बड़े वाले की साइड और मतलब इसकी साइड और इसकी साइड, मतलब सिंपल आप लगा लीजिए कि वो भी दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये लगाना है यहाँ पे कि अगर एक ट्राइंगल के एक साइड से मैंने दूसरी साइड में एक लाइन ड्रॉ करी है, तो इट मीन्स दैट वो जो लाइन है वो अगेन उसको दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। वर्टेक्स सेम होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए, फिर तो ये तो थ्योरम कौन सी है, ये तो वही वाली थ्योरम है हमारी, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी सिंपल। इन अ फिगर गिवन अलोंग साइड पी बी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर्स, तो पी बी परपेंडिकुलर है, जो जो गिवन होता है ना साथ साथ करते जाइए, दैट विल बी वेरी इजी, क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट समझेंगे तो पूरे क्वेश्चन को फिर होल में बना पाएंगे, ठीक है। और ये दोनों आपको 90 डिग्री देती है, ठीक है। पीओ पीओ की वैल्यू 6 दे दी, ओक्यू की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दे दी, एरिया ऑफ पीओबी आपको यहाँ पे एरिया ऑफ पीओबी कितना दे दिया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला ये निकाल दो, ठीक है। अब जस्ट हमने एरिया की थ्योरम, एरिया का थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम हम लगा सकते हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इतना मुझे पता है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। बट उसके लिए पहले मुझे इनको सिमिलर करना जरूरी, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिए क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है हालांकि ये सिमिलर है, लेकिन बिना सिमिलर प्रूफ के आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इसको कर दिया सिमिलर प्रूफ, भाई देखिए इस वाले ट्राइंगल में एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल साफ दिख रहा है, तो ए ए दो ही, दो ही चाहिए होते हैं भाई, एंगल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये कि दो ही चाहिए होते हैं, हो गया, ठीक है, ए ए क्राइटेरिया। अब मैं थ्योरम लगा सकती हूँ, कौन सी, एरिया वाली थ्योरम, कि अगर दो ट्राइंगल्स का, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, लगा लेते हैं। ये देखिए थ्योरम लगाई, जैसे ही थ्योरम लगाई तो मुझे जो साइड्स दी हुई है मैं उसी का लूंगी, भाई मुझे ये 6 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, तो मैं इन दोनों के एरिया के साथ इन्हीं दोनों का रेशियो लूंगी, बाकी का रेशियो मैं ए ओ स्क्वायर अपॉन बी ओ स्क्वायर लेकर क्या करूंगी, कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये गिवन ही नहीं है, तो जिस साइड्स का रेशियो गिवन है आप उस साइड को ले लीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करना आपको आता है, यू आर सो स्मार्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो जो नहीं गिवन था उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो गिवन था तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिख रहा है ना, इसका एरिया ज़्यादा है, उसका एरिया सिर्फ 120 था, ठीक है, एंड इट इज अराउंड उसके डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। तो बोलो मैम लग तो दोनों सेम ही रहे हैं, बिल्कुल, एक्चुअली फिगर में हमें नहीं पता चलता ना, फिगर में हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। देखो ना यहाँ से आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि अगर इसका एरिया 120 है तो इसका 270 है, मतलब इन दोनों के ट्राइंगल्स की जो शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड इट्स डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट, तो दे दिया भाई, हमें जो चाहिए होता है ना वो तो पहले ही दे दिया, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पैरेलल दे दे, तो दे दिया, बोल दिया ये इसके पैरेलल है, ठीक है। बट एक और चीज दी है कि इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये कह रहे हैं कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर,
ठीक है, एंड इट्स डिवाइड्स द ट्राइंगल इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया. चलिए अब आपको रेशियो निकालना है ए एक्स अपॉन ए बी. आपको क्या निकालना है, ए एक्स अपॉन ए बी. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको अगर दिया हुआ है तो आपका काम सबसे पहला वही रहेगा, क्योंकि पैरेलल दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे. कौन से, ए बी सी वाला और एक्स बी वाई वाला. ये रहा, ठीक है, एक्स बी वाई वाला और ए बी सी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, बता देती हूँ, कॉमन और ये वाला, या तो इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग या ये वाला, कोई सा भी ले लीजिए. आपको दो एंगल से मतलब है, आप कोई से भी दो एंगल्स ले सकते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों को. अब आती है मेन पॉइंट. अब अगर ये दोनों इक्वल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अब अगर ये इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके जो एरिया होगा उसका जो रेशियो होगा वो साइड्स के. तो मैंने ले लिया ए बी अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ले लिया दोनों ट्राइंगल्स. ठीक है, अब मुझे क्या पता है कि जो ए बी सी है भाई, जो बड़ा वाला ए बी सी है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, और इसका एरिया देखो, बहुत सिंपल सा बोला था इन्होंने, कहा था कि जो इसका एरिया है और वो इसके एरिया के इक्वल है, तो टोटल का मैंने वही बताया था, टोटल का क्या हो गया, टू. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन इंटू टू. तो वही मैंने किया है, वन इंटू, समझ में आ रही है. टोटल को अगर आप जो इक्वल एरिया से, आप उसको वन और वन ले लो, इसका वन सेंटीमीटर है, इसका वन सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर, टोटल का कितना हो जाएगा, टू. टोटल का टू हो जाएगा. तो मैं टू को कैसे लिख सकती हूँ, मैं टू को लिख सकती हूँ वन, टू इंटू वन. तो टू तो नंबर है और वन का मतलब क्या, किसी को भी लिख दीजिए. तो मैंने लिख दिया एक्स बी. ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या इंटरप्रिटेशन आ गया, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो टू ऑफ एरिया ऑफ एक्स बी वाई है. ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि एरिया तो ये और ये इक्वल बोला था, है ना, एरिया तो इसका और इसका इक्वल बोला था. बट यही आपको चीज ध्यान रखनी है कि अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो ऑब्वियसली वो बड़े वाले के. ठीक है, ये वाला कंसिडर कर लिया. अब आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी. तो बहुत सिंपल सी बात है, इस एक्स बी वाई को नीचे ले आइए. चलो मैं बता देती हूँ, इसको आप नीचे ले आए तो यहाँ पे क्या बच गया, टू. अब यहाँ पे टू बच गया, तो उस टू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो बस टू पुट किया, ये स्क्वायर हटा, यहाँ रूट टू आ गया. सिंपल सा लॉजिक है, रूट टू आ गया. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हमसे पूछा क्या था, हमसे रेशो पूछा था ए एक्स अपॉन ए बी का. अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हमसे रेशो पूछा था ए एक्स अपॉन ए बी का, और हमारे पास रेशो क्या आ रहा है, एक्स बी अपॉन ए बी का. तो कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, मैं पहले भी बताया था. दोनों से क्या करिए, दोनों साइड माइनस वन कर दीजिए. आपको इससे पहले भी दो क्वेश्चन बताया हुआ है कि किस तरीके से करते हैं. यहां से माइनस वन कर दीजिए, तो माइनस वन करेंगे. देखो मुझे एक्स ए एक्स है, मुझे एक्स बी है, ठीक है, मुझे एक्स बी है, मुझे एक्स बी को क्या बनाना है, ए एक्स बनाना है. तो मैं तभी कर सकती हूँ कि जब मैं टोटल में से एक्स बी को माइनस कर दूं, तभी पॉसिबल है. भाई मुझे एक्स बी को एक्स ए बनाना है, तो मैं एक्स बी को एक्स ए कब बनाऊंगी, जब मैं टोटल में से एक्स बी को माइनस कर दूं तो मुझे ए एक्स मिल जाएगा, राइट. तो मैंने क्या किया, टोटल अब मुझे दिख रहा है कि टोटल कहाँ है, टोटल तो नीचे है, तो टोटल से माइनस करना है. तो टोटल से माइनस करना है मतलब मुझे वन माइनस आगे करना पड़ेगा. आप याद रखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था ए बी माइनस वन. तो इसको करने का मतलब क्या है कि ए बी यहाँ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मैं एक्स बी से ए बी माइनस कर लूँ, समझ में आया. तो इसलिए हम माइनस वन नहीं, वन माइनस कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज वन माइनस करने का मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना. ठीक है, चलिए तो हमने वन माइनस किया, आपके पास आ गया. तो ऑब्वियसली यहाँ करेंगे तो भाई ये तो लॉजिक सबको पता है, एक साइड करते हैं तो दूसरी साइड भी करना होता है. सो ए बी माइनस एक्स बी, और यह रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू, ए बी माइनस एक्स बी आ गया आपका. तो ए बी माइनस एक्स बी सबको पता है, ए एक्स हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स. तो कई बार होगा ऐसा, बहुत बार क्वेश्चंस में होगा कि जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगी वो नहीं आएगी आपके पास, आपने जो थ्योरम लगाई है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म आएगा. तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं आता है तो करके देखिए,
माइनस वन कर लीजिए, माइनस वन कर लीजिए या वन माइनस कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगेन आई एम सेइंग कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड. बस थोड़ा सा सेंस लगाना है कि यार अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाऊंगा तभी वो ए बी माइनस एक्स बी होगा. आप ऐसी कैलकुलेशन सब मन में करते हैं ना जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ. तो यही चीज इसको बढ़ाइए, द मोमेंट यू विल डू ऑल दीज थिंग्स आपको क्वेश्चन आ जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ओके वेरी गुड, डी दे दिया. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी ई. दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सिमिलर तो हो ही गए, बोलने की जरूरत नहीं है. अब हमें ये पता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है. देखिए बी सी यहाँ पे होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी. अब सबको पता है ये मीडियन है तो ये इसके इक्वल होगा. बस सिंपल सी बात है, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, है ना. सिंपल सा लॉजिक है तो बताने की जरूरत नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है और हाफ ऑफ बी सी है, मतलब टोटल का हाफ. फिर या मैंने बोला ये टोटल एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू. किसी भी सेंस में ले लीजिए, है ना. आपने बोला मीडियन सबको पता है, मैंने बोला ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 और 2.5, है ना. दिस इज द वे. तो आप इस तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, बट हमें लिखना आना चाहिए कि बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बिकॉज हाफ ऑफ बी सी हम आगे यूज कर रहे हैं. अब देखिए ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2a. अब कंसिडर कर लो कि इसके सारे सबके साइड 2a है, कर लिया कंसिडर, ठीक है. नाउ यहाँ पे ए बी नहीं आएगा, इसको ले लीजिए आप बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, ठीक है. अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सबको पता है क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है. लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में लिख सकते हैं, सिंस बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल सो दे विल बी सिमिलर. अब सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा. तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर, बड़ा वाला. अगर देखिए अब लिखने का तरीका देखिए, ए बी सी है ऊपर, ए बी सी है तो ए बी सी वाली साइड लिखेंगे आप बी सी, तो आपने लिख दिया बी सी, ठीक है. ए बी डी ई है तो बी डी ई के साथ वाली साइड लिखेंगे बी डी, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर. अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने बी सी मैंने कंसिडर किया है कि 2a, आप जरूरी नहीं है, आप बोलोगे मैम मुझे कैसे याद आएगा कि 2a लेना है, कोई जरूरत नहीं है 2a लेने की. आप नॉर्मल कुछ भी ले सकते हैं, आप a ले लीजिए, आप b ले लीजिए. 2a हमने इसलिए दिया कि ताकि कैलकुलेशन में इजी होगा, दैट्स इट. क्योंकि देखो अगर आप टोटल को 2a लोगे तो उसका हाफ a हो जाएगा, सिंपल सी बात है. तो टोटल को 2a लिया है उसका हाफ क्या हो जाएगा, a. अगर आप a लेंगे तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/2a. सो 1/2 से कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग इट 2a. यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है. कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कैलकुलेशन में कि वो ए बी कुछ नहीं लेंगे, वो सीधा सिंबल्स लेंगे, या ऐसे भी होते हैं, ठीक है. तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं. क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप एग्जाम में बोलोगे मैम कहाँ से याद आएगा कि सिंबल्स लेने हैं, है ना. जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा पेपर में बैठ के, फिर कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है. तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ याद रहेगा कि मुझे ए की जगह 2a लेना है, बिकॉज अगर मैं ए लूंगा तो मुझे उसके साथ हाफ लेना पड़ेगा और फिर वो कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है. तो चलिए आपने इसको 2a स्क्वायर लिया, आपने इसको 2a लिया तो ऑब्वियसली जब ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा, तो मैं इसको ले सकती हूँ a स्क्वायर. अब देखो कितनी इजी कैलकुलेशन होगी, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 2 का डबल 4 इसका 1, तो रेशो आ गया आपके पास 4/1, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. और अगर आप इसको बिना ए के लिए लेना चाहें, चलो वो भी मैं बता देती हूँ आपको. मैंने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर. सारे तरीके बताएंगे कि किस किस तरीके से बच्चे, हर देखिए हर किसी का क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है. सो हर किसी के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको जिस वे से ईजी लगे आप कर सकते हो. देखो बी सी है तो बी सी को मैं 2 BD² लिख सकती हूँ, सिंपल सी बात है. भाई बी सी का मतलब क्या है, 2 BD, बी डी को मैंने बी डी प्लस डी सी, बी डी बी डी दो जगह आ जाएगा, तो मैं इसको 2 BD तो मैंने लिख दिया 2 BD² अपॉन बी डी स्क्वायर. आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, दैट इज 4/1, ऐसे भी आंसर आ जाएगा. बट डिपेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि बी सी को मैं 2 ऑफ बी डी लिख सकती हूँ.
क्लियर है कि नहीं है? चलिए, ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हैं, वेरी सिंपल भाई। एक गिवन फिगर है, डीई पैरेलल है बीसी के, तो आपको बताना है कि जो ट्राइंगल है, आपको ये बताना है कि जो ट्राइंगल एडीई है वो एबीसी के सिमिलर है। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है, बार बार बोल रही हूँ। देखो ये कॉमन, अब तो इतना बोल बोल के बच्चों को भी आ गया होगा, ये कॉमन, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीनों एंगल हमें कॉमन दिख रहे हैं, बट यू कैन टेक एनी दो, बिकॉज देखो ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट याद रखो, ठीक है? ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके, तो यही तो कर दिया, ऊपर जाके इसको ट्राइंगल बना दिया, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? चलिए अब आपको ये प्रूफ करना है, पहला तो प्रूफ हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रूफ करना है, ए डी हाफ ऑफ बी डी दे रखा है, वेरी सिंपल, ए डी हाफ ऑफ बी डी दे रखा है और बी सी दे रखा है 4.5, तो बोल दिया ये निकालो डी ई, तो डी ई को एक्स ले लेती हूँ, है ना, डी ई को। अब मुझे पता है दोनों सिमिलर है, तो दोनों की साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, हाउ आई कैन राइट इट, आई कैन राइट इट ए बी अपॉन, मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी डी, सॉरी, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू 4.5 अपॉन एक्स, या पहले लिख लेते हैं बी सी अपॉन डी ई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ए बी पूरा फिर छोटा वाला, फिर पूरा फिर छोटा वाला, ऐसे ही लिखते हैं, बार बार बताया, बार बार बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। किसी भी साइड्स का रेशियो लिखने के लिए आप पहले अगर ऊपर बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लिखे, उसके नीचे छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड लिखे, ठीक है? सबके साथ फिर ऐसे ही चलेगा। अब ए बी, अब देखो बी सी आपको कितना दिया है 4.5, ठीक है, डी ई आपको कितना दिया है एक्स, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ए बी। अब यहाँ से देखो ए डी, जो ए डी है वो हाफ ऑफ बी डी है, जो ए डी है वो हाफ ऑफ बी डी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो अगर ए डी हाफ ऑफ बी डी है, तो इसको अगर मैंने एक्स ले लिया तो ये एक्स बाई टू हो जाए, सॉरी एक्स नहीं ले सकते सर, चलो इसको ए ले लेते हैं, अगर मैंने इसको ए ले लिया तो ये ए बाई टू हो जाएगा, सिंपल, अगर मैंने इसको ए ले लिया तो ये ए बाई टू हो जाएगा, है ना? अब आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे ए बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी क्या है, ए बी है ए प्लस ए बाई टू, टोटल है ना, मैंने बी डी को ए लिया तो ए डी आधा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, बट मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू तो ए प्लस ए बाई टू होगी, टोटल होगी ना, तो ए प्लस ए बाई टू कितना हो जाएगा, 3a/2, ठीक है? तो रख दो ए बी की जगह रख दो 3a/2 और ए डी की जगह रख दो ए बाई टू, ठीक है? तो कट जाएगा, कट रहा है, सिंपल, देख सकते हैं ना, 2 से 2 कट रहा है, ए से ए कट रहा है, इधर उधर ले जाके भी काटेंगे तो भी कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 4.5 अपॉन 3 आ जाएगा, दैट इज 1.5, क्लियर है जी? समझ में आ रहा है किस तरीके से होगा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से जाएगा, सिंपल, जो कंसेप्ट दिया है वो रख दीजिए इसके अकॉर्डिंग, और इसको समझने की कोशिश करिए, ए डी, तो इसको तो आप वैसे भी कि ए डी बी डी का हाफ है, ए डी बी डी का हाफ है, तो बी डी को रख लेंगे, ए डी उसका हाफ आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज दी थी, ए डी ई अपॉन ए बी सी, वेरी सिंपल भाई, अभी हमारे पास ये 4.5 था, कितना था ये, 1.5 आ गया था, ये 4.5 आ गया था, ऐसे ही रख सकते हैं आप, है ना? तो एरिया ऑफ ए डी, ए डी ई 1.5 का स्क्वायर अपॉन 4.5 का स्क्वायर, आई थिंक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो साइड्स के रेशो के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों साइड्स मुझे प्रॉपर पता है, तो मैंने यही दोनों साइड रख दी, आप काट सकते हैं, इसको आ जाएगा 1/3 टाइम्स, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो आई विल गॉट 1/, ठीक है? सेकेंड पार्ट भी हो गया, बट लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में थोड़ा इन्होंने बोला कि आप एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी निकालो, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, कैन यू सी, सबको पता है ट्रेपीजियम, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट थिंक ऐसा नहीं होगा कि नहीं पता है। तो मुझे इसका एरिया चाहिए रेशो में, अब क्या करूं भाई, मुझे ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, वही करेंगे जो हमने अभी किया था, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ पे 1 माइनस, देखो ध्यान दो ये कब आएगा,
जब मैं बड़े वाले ट्राइंगल से माइनस कर दूंगी, भाई एरिया ऑफ बी सी ई डी कब आएगा? एरिया ऑफ बी सी ई डी कब आएगा? जब मैं एरिया ऑफ ए बी सी में से एरिया ऑफ ए बी या ए डी ई माइनस कर दूंगी, है ना? इस टोटल में से अगर मैंने ये वाला एरिया हटा दिया तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो यही आपको करना है। इसका रेशियो आपको ऑलरेडी पता है, इसका रेशियो आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 9। तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्यों करना है, मैं आपको बताती हूँ उल्टा क्यों करना है। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई कर दीजिए। सिंपल तरीका बता रही हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कर दिया उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू, इसका भी उल्टा कर दीजिए, 9। अब -1 कर दीजिए दोनों तरफ। अब क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए दोनों तरफ। कर सकते हैं -1? ठीक है, -1 करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ए डी ई। जब आप यहाँ पे माइनस, चेंज तो करो, जब आप यहाँ पे -1 करेंगे तो ये इससे हो जाएगा, अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 9 - 1, दैट इज कितना आ जाएगा, 8। अब आपको पता है एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए डी ई क्या होता है, 36 है। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ बी सी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 8। और फिर से इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, मैंने वहां से आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पे फिर वो फ्रैक्शन में नंबर जाएगा तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बेटर, उल्टा चाहिए वैल्यू उल्टे में चाहिए, तो उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा तो इसका उल्टा 1/8। ठीक है, आई थिंक इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए एक्टिविटी टाइम देखते हैं। चलिए, इट इज वेरी गुड सिंपल। होल्ड योर आर्म स्ट्रेट आउट एंड थम्स अप, ऐसे करिए। ठीक है, और आप उस ऑब्जेक्ट को देखिए, जिस ऑब्जेक्ट को जहां पर आप बैठे हैं वहां से आप उसकी डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। सपोज मेरे सामने जस्ट अभी एक अलमीरा है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे और अलमीरा के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगी, अलमीरा के एक एज पे क्या करूँगी, अपना अपना ये थंब, बट इट शुड बी ओपन, इट शुड बी ओपन, तो मैंने ऐसे रख दिया, रैबिट क्लोज वाला है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं स्विच करूँगी, तो जैसे ही आप स्विच करेंगे ना, ये करके देखिएगा, इट इज वेरी गुड। जैसे ही आप अपनी आई को स्विच करेंगे, पहले आप इस वाली आंख से देख रहे थे, द मोमेंट यू विल स्विच योर आईज, आप देखेंगे कि आप उसको हाफ डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस, आप इतना तो कर सकते हैं कि आपका अंगूठा यहां से यहां तक कितना मूव हुआ, कितना डिस्टेंस आपने मूव किया है। तो जितना डिस्टेंस आपने मूव किया है उसको अगर आप मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस अलमीरा से कितने डिस्टेंस पे बैठी हूँ। या आप ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई कार खड़ी है रोड पर और आप यहाँ पे डिस्टेंस में खड़े। ठीक है, नाउ आपने उस कार के एक एज को एक अंगूठे से देखा, ठीक है, एक सेकेंड के लिए, देन आपने अपनी आई स्विच करी, तो आप देखेंगे कि आप हाफ ऑफ द कार मूव हो गए, आपका जो अंगूठा है वो हाफ ऑफ द कार मूव हो गया। अब इसका रीजन क्या है ये आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि व्हेन आई एम स्विचिंग माय आई। ठीक है, और जो डिस्टेंस मूव हुआ है वो मैं इजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो उस डिस्टेंस को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो कार मेरे से कितने डिस्टेंस पे खड़ी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे था और जैसे ही मैंने स्विच किया वो मेरे यहाँ पे आ गया, तो मैं ये वाला डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ। तो जितना डिस्टेंस मेरे साथ ये है उतना ही डिस्टेंस से मैं खड़ी। ठीक है, क्लियर है? तो सपोज अगर हाफ ऑफ द विड्थ 9 है, हाफ ऑफ द हाउस की विड्थ कितनी है, 9 है, तो मैं इजीली पता से लगा सकती हूँ कि मैं 90 फीट अवे खड़ी। ओके, सो इट वॉज वेरी इजी, एंड अगेन द एप्लीकेशन 1 आप करके देखिएगा, बहुत फन भी है और बहुत मज़ेदार भी है। एग्जैक्टली यू विल गेट दी सेम आंसर। और इसका जो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाए ना, तो आपकी आंख के बीच में देखो एक ट्राइंगल, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कैन यू सी, वेन एवर आई एम सीइंग दिस, एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए बन रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंख के दोनों आईज के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका 10 टाइम्स मेरे यहाँ से और मेरे थंब के बीच का डिस्टेंस है, ये लॉजिक है यहाँ। फिर हम सिमिलर ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी आईज के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही उससे 10 टाइम्स जो डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक है। ठीक है, तो देखिए ना, इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल में 10 10 का रिलेशन है, तो तभी तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी 10 10 का रिलेशन है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिस इज द वे इट विल गो लाइक। अगर आप करके देखेंगे प्रैक्टिकली, प्लीज मुझे बताइएगा कैसा हुआ प्रैक्टिकल, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल देखेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको करेंगे नहीं ना, तब तक बताने का कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली फर्स्ट। तो सिमिलर ट्राइंगल का हम ऐसे ही हाइट ऑफ द टॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेडो लेंस हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, बताया हुआ है आपको। सो आज जो हमने पढ़ा वो देखा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं, जो दो जो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का जो प्रोपोर्शन होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिस इज फॉर यू, यू कैन डू दिस, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ टू दिस 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 वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल दिस दिस, ओह माय गॉड, इट इज वेरी इजी, पढ़ाया था पेरीमीटर के सेम होता है, पेरीमीटर में कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड यस दोज़ हू आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, वही कहेंगे लास्ट में, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट, हिट लाइक बटन, कमेंट जरूर करिएगा जो भी ये वीडियोस देखें अभी तो जिन्होंने देख लिया, वेरी गुड, जो बाद में भी अगर आप देखते हैं ना तो ये वाला प्रैक्टिकल जरूर करके देखिए, इट इज रियली फनी, आई कैन सी दैट। और जब भी मैं अपने आँख स्विच करूँ ना, मैं बिल्कुल हाफ ऑफ माई जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट है, अलमीरा है, मैं बिल्कुल उसके हाफ लेंथ तक पहुँच रही हूँ, वेरी इजी। ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय, एंड यस डू द प्रैक्टिस, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स अदर देन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस को चाहे शॉर्टकट ले लीजिए या प्रैक्टिस ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, बट विद द प्रैक्टिस। ओके, सो टाटा, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।